कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता है। वक्त जो फैसला कर देता है वो सर्व जगह मान्य होती है, और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के हम लगातार आपसे बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, और ख़ास करके इधर 3 महीने से तो बिहार की राजनीति काफ़ी चर्चा में है, और इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2 बातें की, पहला तो NDA छोड़कर महागठबंधन के साथ आए और सरकार बनाई, वहीं दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि उन्हें 2024 में सत्ता से उतार देना है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रयास शुरू किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अलर्ट होने से इतना जरूर हुआ है कि नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि 7 दलों का यह समूह भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में सफल है, वहीं कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम आज भीतर की बात में आपसे चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ कोढ़नी में चुनाव के मतदान हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी उपचुनाव के मतदान हो रहे हैं, वहीं गुजरात में असेंबली इलेक्शन का मतदान हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो ज़बरदस्त हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार चर्चा में क्यों हैं? और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, RCP सिंह की बात कर लें, कुशवाहा की बात कर लें, या फिर ललन सिंह की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात करें, ये भी चर्चा में है। चर्चा में तो जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन सबकी चर्चा अलग अलग है, और इसमें नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार का गेम ओवर होने वाला है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आज के भीतर की बात में पहली जो खबर है वो है कि नीतीश कुमार का गेम ओवर। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने आपको खबर कल ही बताया था, कल की खबर को अगर आगे बढ़ा दें तो नीतीश कुमार का बिहार से गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में एकजुट करने के लिए देश का भ्रमण करेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलेंगे, उनके क्षेत्र में जाएंगे, उस राज्य में जाएंगे, उस राज्य में जाकर के उनसे आग्रह करेंगे कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वो इस खेमे का हिस्सा बने, यानी कि नरेंद्र मोदी विरोधी जो गुट बन रहा है, जो एक संगठन बनाने की कोशिश हो रही है, उस संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही जा रही है कि एक तरफ जहां उन्होंने ललन सिंह पर जबरदस्त भरोसा किया है, वहीं कुशवाहा को लौकुश समीकरण में जोड़ने के बाद भी जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए और जिस तरह का उनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिससे कि कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर निकलेंगे तो पार्टी का संचालन कैसे होगा? पार्टी में गुटबाजी चल रही है, इसको ठीक करने के लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू कर दिया है, और कुशवाहा के कहने पर नीतीश कुमार ने मैन टू मैन टॉकिंग का जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, उसमें वो पार्टी के भीतर चल रहे जो गुटबाजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दिसंबर महीने में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देशाटन पर निकलेंगे और अलग अलग राजनीतिक दलों को एक करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि बिहार से अब नीतीश कुमार का गेम ओवर होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही रहेंगे, भले ही कार्यकारी के रूप में काम जो भी करे, लेकिन पूरा का पूरा मॉनिटरिंग नीतीश कुमार का ही रहेगा। इसके साथ साथ एक और बात बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है, और ख़ास करके बात किया तो RCP सिंह, जो कि आज से 2-3 महीना पहले तक नीतीश कुमार के अभिन्न अंग हुआ करते थे। नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो RCP सिंह का नाम आता था, लेकिन आज वो अलग है। संगठन में उनकी पकड़ पार्टी में बहुत बड़ी रही है, जिसको लेकर के वो दावा भी करते हैं कि आज जदयू जिस स्थिति में है वो स्थिति उन्होंने बनाई है। हालांकि मेहनत उन्होंने कम नहीं किया है, लेकिन अब जो नई बात हो रही है उसमें उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले कन्हैया सिंह ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की है, कई खुलासे किए हैं, जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार लाख प्रयास करें लेकिन एक बड़ा वैक्यूम आने वाला है, और ये सारे लोग RCP सिंह के साथ जुड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तो सबसे पहली बात जो लगातार कही जा रही है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जदयू के अंदर जो RCP सिंह को बॉस मानते हैं। बॉस का मतलब सिर्फ
वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं, कॉरपोरेट जगत की बात नहीं होती है, बल्कि नीतीश कुमार भी अपने टीम का, अपने पार्टी का बॉस है, लालू प्रसाद अपनी पार्टी का बॉस है। उसी तरह से आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं जदयू के भीतर जिस तरह से सांगठनिक पकड़ उनकी थी उसको लेकर के अभी भी लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब आरसीपी सिंह कोई नया रास्ता अनाउंस करें। वो रास्ता क्या होगा, पार्टी बनाएंगे, भाजपा में जाएंगे, या ऐसे ही वो राजनीतिक रूप से लोगों को जगाते रहेंगे, क्या करेंगे? एक तो बात क्लियर है कि या तो पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अपने सहयोगियों के लिए, जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता बनाते हैं। इसके साथ साथ कन्हैया सिंह ने साफ तरीके से एक बात कही है, और लंबे समय से कन्हैया सिंह भी जदयू से जुड़े रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार उस विष के प्याले की तरह हैं। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विष के प्याले की तरह हैं जिसे छूना तक गवारा कोई नहीं कर रहा है, और इसे पीने की बात तो समझ लीजिए कि आप गए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कई ऐसी बातें कही है कि पिछले 17 साल में जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया है उसमें उनकी लगातार चर्चा आरसीपी सिंह करते रहे हैं, और आरसीपी सिंह ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनको रोका है, लेकिन इन सारी स्थितियों के बाद भी नीतीश कुमार जो फैसला कर लेते हैं किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में जदयू के भीतर एक बड़ा खेमा है जो आज भी आरसीपी सिंह का इंतजार कर रहा है और उन्हें बॉस मानता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कन्हैया सिंह का दावा है कि 8 तारीख को जब दो बातें होंगी, एक तो कुर्नी का चुनाव नीतीश कुमार हारेंगे, और दूसरा जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा होगा उसके बाद से पार्टी में कई खेमे बन जाएंगे, और वो खेमा अधिकांश जो है वो आरसीपी सिंह के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हालांकि सेंधमारी बहुत पहले से चल रही है और कई लोग स्वेच्छा से आरसीपी सिंह के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक खबर और है कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का प्लान जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गया है। क्या प्लान है तो सीधे आप समझ लीजिए कि ये प्लान था भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का, लेकिन इस प्लान में वो दोनों ही के दोनों फेल हो गए हैं। हालांकि अब नजर नहीं आ रहा है वो पोस्ट, लेकिन सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगाए हुए लोगों का शराब पीते हुए, जबकि शराबबंदी है, शराब पीते हुए तस्वीरें दिखाई थी, और ये दावा किया था कि कुर्नी की ये तस्वीरें हैं जहां शराब बांटी और शराब पी और पिलाई जा रही है। अब इस बात को लेकर के, इस खबर को ललन सिंह ने भी, जैसा कि खबर मिल रही है, कि साझा किया था, लेकिन अब यह खबर नजर नहीं आ रही है। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं इन दोनों ने जिस तस्वीर को साझा किया था उसको लेकर के जब चर्चा शुरू हो गई और कहा यह जाने लगा कि इस तरह की तस्वीरें आने का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कटघरे में नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की शराबबंदी भी कटघरे में है, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग विषय है कि शराबबंदी में भी शराब कैसे आ रही है। प्रशासन के साथ भी वही बात सामने आ रही थी, और इतना ही नहीं, इस तस्वीर को बताया जा रहा था कि कई वर्ष पुरानी है, जब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे थे तब इस तस्वीर को लाया गया था, और उससे पहले अन्य राज्यों में चुनाव के समय में ये तस्वीर अक्सर वायरल होती है, जिस तस्वीर को कहा जा रहा है बहुत पुरानी है। हमने जब इस पर शोध करना शुरू किया, इस तस्वीर को जानना शुरू किया, तो सच में ये तस्वीर कई वर्षों से साझा की जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग था ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का, उसमें वो असफल रहे हैं, बल्कि उनके इस प्लान के लीक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो शुरू हो गई है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो वर्तमान बनी हुई परिस्थिति है, जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार निश्चित रूप से टेंशन में होने चाहिए, और आगे बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये 8 तारीख के बाद तय होगा। आज के भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बिहार में बदलते माहौल को लेकर के हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं और भीतर की बातें निकाल कर रख रहे हैं। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो कुर्नी का चुनाव समाप्त हो चुका होगा, वोटिंग हो चुकी होगी, और वोटिंग के बाद क्या माहौल है, वहाँ की जनता क्या कहती है और नेता क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही इसके जीत और हार का क्या असर होगा इस पर भी हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।